तारीख पे तारीख से तंग आए सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील को दी नसीहत, कहा अब ये परंपरा बदलनी पड़ेगी। फिल्म दामिनी का फेमस डायलॉग तारीख पे तारीख तो आपने सुना ही होगा। हमारी अदालतों में सालों तक चलने वाले मुकदमों को लेकर ये डायलॉग हमेशा बोला जाता है। देश की अदालतों में सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं लेकिन फैसला नहीं आता है, क्योंकि मामले की सुनवाई ही नहीं हो पाती है। अदालतों में कई बार वकील अगली तारीख मांग लेते हैं या फिर वो कोर्ट में पेश ही नहीं होते। इसकी वजह से कोर्ट में मुकदमों का भार बढ़ता जाता है। अदालतों में तारीख पे तारीख वाली इस परंपरा से भारत के मुख्य न्यायाधीश तंग आ गए हैं। उन्होंने अदालतों की इस परंपरा को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने दो टूक कहा कि तारीख पर तारीख वाले कल्चर को अब बदलना पड़ेगा। असल में न्यायमूर्ति चंद्रचूड एक मामले में सुनवाई कर रहे थे, तब वकील ने आगे की डेट पर सुनवाई की मांग कर दी। कहा गया कि उन्हें और ज़्यादा समय चाहिए। बस इसी बात से जस्टिस चंद्रचूड खफा हो गए और उन्होंने तारीख पर तारीख वाले बयान का जिक्र कर दिया। उन्होंने साहब कह दिया कि आपको आज ही बहस करनी होगी और इस तारीख पर तारीख वाली परंपरा को बदलना होगा। सीजेआई ने कहा कि सर्वोच्च अदालत है, इसका सम्मान होना चाहिए। हम लोग सिर्फ फाइलें पढ़ने में कितना टाइम निकाल देते हैं, इसके बाद वकील आकर कहते हैं कि उन्हें सुनवाई आगे बढ़वानी है, ये ठीक नहीं है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट उदार रुख अपनाता था, खासकर सीनियर वकीलों के मामले में, जब वे किसी अन्य मामले की व्यस्तता की वजह से कई मौकों पर कोर्ट में पेश नहीं हो पाते थे। लेकिन कोर्ट ने सोमवार को साफ कह दिया कि सुनवाई नहीं टलेगी। उसने एक सीनियर एडवोकेट को कहा कि सुनवाई टालने की मांग करके बेंच को शर्मिंदा ना करें। कोर्ट के कहने के बाद सीनियर एडवोकेट ने बहस शुरू कर दी। बता दें कि भारत की निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बरसों से लंबित केसों का पहाड़ बना हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक अगर वर्तमान रफ्तार से मामलों की सुनवाई होती रही तो सभी मामलों की सुनवाई पूरी होने में 324 सालों का वक्त लग जाएगा। वर्तमान में अकेले सुप्रीम कोर्ट में 70,000 के करीब मामले पेंडिंग चल रहे हैं।